संजीदा अर्शद, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और संजीदा अर्शद कहती हैं बहुत शुक्रिया, हर दिन हमारा है आमिर, वो मतलब उनको विश कर रहे हैं ना, तो उनका हर दिन हमारा, मतलब आप खवातीन को कह रहे हैं कि एक दिन उनका, वो कह रही है नहीं हर दिन हमारा है। थैंक यू सो मच संजीदा, बहुत शुक्रिया। और आबिद अली राजपूत कहते हैं जी जी आप ही का है जनाब, ऐसा ही है। एमन परी कहती हैं आप ही, मेरी भी एक ही सिस्टर है मारिया, मुझसे बड़ी हैं और मुझे बहुत प्यार है उनसे। अली से वो छोटा है और ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं माशाल्लाह। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। वो लोग जिनके पास बहन भाई हैं यकीन करें, और कहा जाता है कि मैं कभी कभी बड़ा हैरान होते, लोग कहते हैं मतलब बहन भाइयों की इतनी लड़ाई होती है, इतना झगड़ा होता है, मैं इस चीज़ से बड़ी हैरान होती है, ऐसा कैसे हो सकता है। शायद हम नहीं, मेरा भी छोटी बहन का भी झगड़ा होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम झगड़ा नहीं करते, हम बिल्कुल झगड़ा करते हैं, लेकिन वो बड़ा माइनर सा होता है, मैं पिद्दा सा झगड़ा होता है, इन्ना सा छोटा सा झगड़ा होता है। अभी हम झगड़ा करते हैं 10 मिनट बाद या वो मुझे मना लेती हैं या मैं मना लेती हूँ। हाँ मेरा एक भी तो मसला है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा ये मसला है कि अगर मैं झगड़ा करके अनीता से, मतलब हो गया ना किसी दिन हमारा झगड़ा हो गया, हम उसके बाद सो गए, मैं सुबह जाग, चाहे कितनी बड़ी बात हो, मुझे ना सुबह भूल जाता है कि मैं अनीता से खफा थी। ये मेरा बहुत बड़ा मसला है। अब वो ये खैर मेरी बहन है तो उनको ये पता है कि ये आप ही का मसला है, तो वो फिर सुबह जागती हैं, वो मुस्कुराती हैं जब मैं उनसे नॉर्मल बात करती हूँ, वो कहती है अभी आप भूल गई मेरा और आपका झगड़ा हुआ था। फिर मुझे ख्याल आता, फिर मैं नखरे करती हूँ, ओहो अच्छा मेरा तो झगड़ा हुआ था। आमिर बट कहते हैं लास्ट सैटरडे आपको बहुत 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 मिस किया, शो क्यों नहीं करने आई, बट कोई बात नहीं, गुड लक, थैंक यू सो मच आमिर, बहुत शुक्रिया। देखिए आप नहीं आए थे तो मैं आपको मिस कर रही थी कि आमिर कहाँ है, मतलब मैं नहीं आई तो बदला लेंगे, मुझसे बदला तो ना लेंगे आप लोग, आप तो आएंगे। सो वो मैं आपको बता रही थी ना, वजह मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताई है कि क्यों नहीं आ पाई। बिलाल अनवर कहते हैं नाइस सॉन्ग, अच्छा बैकग्राउंड में जो मेरा ट्रैक चल रहा है वो आपको पसंद है जी, बिल्कुल नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ हो और वो ट्रैक पसंद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। प्यार रखियाँ दे बुए जो है उसका रिमिक्स वर्जन मैंने प्ले किया हुआ है। काशिफ शहजाद कहते हैं आपका शो लाहौर में होता है। काशिफ मैं इस वक्त जो है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ जो है शहर इकतदार वेरी कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से लाइव हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स थ्रू फेसबुक, और क्योंकि ये हमारी एक ऐप है जिस पे आप रेडियो पर नहीं सुन पाते समटाइम, वो फिर उसकी एक फ्रिक्वेंसी जो है वो लिमिटेड हो जाती है, लेकिन आप हमें सुन सकते हैं ऐप पर। आपको अपने ये आपको पीछे जो है मेरे नज़र भी आ रहा होगा FM वर्ल्ड पाकिस्तान जो है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है, आप FM वर्ल्ड पाकिस्तान लिखते हैं तो आपके सामने एक ऐप आ जाती है और ये लोगो वहाँ पर उस ऐप पर है, यही लोगो है, तो आप इसको डाउनलोड करते हैं, आप किसी वक्त भी हमें कहीं पर भी सुन सकते हैं, क्योंकि अब इंटरनेट की जो सहूलत है। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर आपने हमारा पेज लाइक किया हुआ है FM वर्ल्ड पाकिस्तान का, तो आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं थ्रू योर कमेंट्स। लेकिन एमन आपने ये नहीं बताया कि अगर आप मेरी एक ही सिस्टर हैं मारिया जो बड़ी हैं, अच्छा आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपकी बड़ी बहन की आपको कौन सी ऐसी आदत है जो मतलब परेशान कर देती है, कि मुझे नहीं पता आप अपनी बड़ी बहन को आप ही कहती हैं, दी कहती हैं, बाजी कहती हैं, तो उनकी कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगती है या कौन सी ऐसी बात है जो बुरी लगती है जो आप शेयर करना चाहें। सलमान हमीद कहते हैं वेदर रिपोर्ट फ्रॉम UK। लो जी सारे मैसेजेस गायब हो गए, मतलब ये क्या हुआ है। मिर्ज़ा मोहसिन कहते हैं हमेशा हैप्पी रहें, FM वर्ल्ड पाकिस्तान के लिए बहुत सी दुआएं, थैंक यू सो वेरी मच। ज़िशान इरफान अवान कहते हैं थैंक यू सो मच ज़िशान आरिफ अवान, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ज़िशान, मैं पता है इसको इतना पॉजिटिव ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपनी राय का इजहार किया, और ये बड़ा ज़रूरी होता है, हमारा हक नहीं है कि हम भी खुश हों, आप कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स है। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि आपका जो है ना वो दिल टूट गया इस हवाले से। एक्चुअली होता है क्योंकि जब हम किसी की आवाज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में जो है एक तस्वीर कशी होती है, हम सोचते हैं कि फ़लाँ शख्स अगर बोलने में ऐसा है और अगर हमने उसे नहीं देखा हुआ तो डेफिनेटली थ्रू FM हमारे जहन में बहुत सी डिफरेंट चेहरे बनते हैं, हम किसी को जो है शान से मिला देते होंगे तो किसी को जो है मीरा से मिला देते होंगे तो किसी का हम रीमा से मिला देते, ऑफकोर्स ये आवाज़ है ना तो उसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं अब खैर मायरा खान भी हैं,
सुनीता मार्शल भी हैं, जो आपको अच्छी लगती है आप उससे मिला सकते हैं किसी को भी, ठीक है? वो अभी अगर आपने नहीं देखा, लेकिन जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं हाय अल्लाह, मैंने तो मतलब मायरा खान ही तस्वर की हुई थी, ये तो कुड़ी कोई और निकल आई है। देखिए अब सब शक्लें मायरा खान जैसी हो गई ना, तो बेचारी मायरा खान कहाँ जाएगी? आमिर भट्ट कहते हैं जी बिल्कुल संजीदा आपने सही फरमाया कि सारा साल आप ख्वातीन का ही होता है और आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अब्दुल रहमान कहते हैं नाइस शो। आमिर भट्ट कहते हैं हाय आमिर, थैंक यू सो मच। आमिर शहजाद कहते हैं हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेरी वेल। आमिर कुरैशी आपको वेलकम कहेंगे। आमिर फारूक कहते हैं सलाम फ्रॉम होबर्ट ऑस्ट्रेलिया से, आपने जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया में मौसम की सूरत हाल क्या है ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। आबिद अली राजपूत कहते हैं नाइस ट्रैक बाय नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और आप एक गज़ल की रिक्वेस्ट करते हैं। और राइट आबिद अली, मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। आई थिंक ये काफ़ी देर से ट्रैक मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, आपके लिए एक और ज़बरदस्त ट्रैक, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रैक, तो इतनी खूबसूरत। हाँ वो भी ले रही हूँ, ये माइक थर्ड है ना इनका, माइक थ्री है खान साहब इसका, माइक थ्री, ठीक है। और ये 0518 4619 1913 पर आप कॉल कर सकते हैं, और देखते हैं हमारे साथ कौन कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ये हाल भी होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन कहाँ से? अभी सुमल मलिक बात कर रही हूँ सुहास से। सुमल क्या हाल है आपके? अभी मैं ठीक हूँ, अभी आप सुनाओ आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल खैरियत से। सुमल मौसम कैसा है सुहास का? अभी सुहास का मौसम सुरीला है। सुरीला है जैसे, तो इतनी खूबसूरत है सुरीला है। हाँ अभी तो सर्दी होगी वहाँ पर है ना, बर्फबारी। यहाँ पे आप 2-3 महीने गर्मी का कोई सीन नहीं होगा। अभी 2-3 महीने गर्मी होगी? नहीं नहीं होगी। आप ही अल्लाह अकबर, तो किस मौसम में गर्मी होती है? यहाँ गर्मी कम ही होती है, तो आप लोग का दिल नहीं चाहता गर्मी होती कैसी है? जरा हम विजिट तो करें इस्लामाबाद आके, तो देखे। कल परसों की बात है, मैं गई थी रावलपिंडी, गर्मी है आपके यहाँ तो आ गई है। नहीं कहाँ गर्मी है, गर्मी है के बाद गर्मी थी, धूप थी, सच्ची बात वो है। मैं आपको बताती हूँ, पता क्या है, आप ऐसी ठंडी जगह से आई है ना जहाँ पर शदीद सर्दी होती है, तो डेफिनेटली आपको फील होता है कि अच्छा हाँ यहाँ पर मौसम खासा बेहतर है। हाँ उस हवाले से तो हाँ अच्छा लगा आपके स्वाद का, आपका मौसम हमें क्यों नहीं अच्छा लगा? हम तो इतने प्यारे लोग हैं, वेलकम करने वाले लोग हैं। नहीं अभी आप लोग प्यारे नहीं हो। आई वो कह रही प्यारी। अच्छा वैसे ना सुंबल ऐसा होता है, पता नहीं क्यों मैं किसी भी शहर में चली जाऊं, मैं उसको किताबों में क्या पढ़ा हुआ है, मैंने लोगों से कैसा सुना हुआ है, मैं उस चीज़ को लेती ही नहीं हूं, मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूं। लाहौर के बारे में लोग कहते हैं कि अगर आप वहां पर जाएं तो लाहौरी आपको गलत रास्ता बताते हैं। मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है लाहौर जाने का, मैं जब भी जाती हूं, मतलब मुझे बहुत पसंद है, मुझे लाहौर से प्यार है, आई लव सिटी लाहौर। मतलब मैंने एक दिन हमारे साथ इस्लामाबाद में बताया, नहीं मैं बताऊँ इस्लाम बात का तो इस्लामाबाद में रहने वालों को नहीं पता। आप किसी से सेक्टर का पूछे वो आपको घुमा देंगे पूरा इस्लामाबाद, अनलेस के आपको खुद नहीं पता। अभी पूरा इस्लामाबाद ही घूमा है, सच्ची बात है। नहीं इसमें वो शख्स का डेफिनेटली कसूर नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद शहर ही ऐसा, इस्लामाबाद के रहने वालों को नहीं पता, मुश्किल है ना जी। भाई से हमने पूछा, भाई हमने इस्लाम जाना है, कहते हैं यही गली यही रास्ता जाता है, वो अपनी जुबान का यही मैडम ही जाता है रास्ता। मैडम बेचारी घूमती रही पूरा इस्लामाबाद। अभी जब आँख खुली तो देखा तो फैसल मस्जिद के पास ही घूम रहे हैं। हाँ मैं वही आपको कह रही हूँ ना, ये जरा इस्लामाबाद बड़ी टेक्निकल सिटी है जनाब, यहाँ पर आपको ट्रैवल करने के लिए ना गूगल मैप का इस्तेमाल कर लिया करें, कभी गलती नहीं होगी। इसके बारे में पूरा इस्लामाबाद घूमिए है ना। नेक्स्ट कभी आओगे ना सुंबल, तो गूगल मैप जो है उसके थ्रू आप जो है ट्रैवल करना इस्लामाबाद में, तो डेफिनेटली कभी भी कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है। नहीं अभी गलती नहीं, हमने किसी के घर शादी की ना बताने जाना था तो घर नहीं मिल रहा था। और राइट मैं जो है आई थिंक लास्ट सैटरडे नहीं लास्ट संडे मुझे जाना था, हमारे मेरे कज़न की शादी के हवाले से हमने लड़की वालों के घर जाना था, तो वो अब हमें पता नहीं चल रहा था कि घर कौन सा है। मैंने गूगल मैप पे डाला और वो लड़की वाले बड़े हैरान हो रहे, कह रहे हैं आप कैसे फ़ौरन से पहुँच गए, मतलब आधे घंटे में आप लोग पहुँच गए। मैंने कहा जी, कहते लोग आते हैं जी वो हमें कॉल कर करके थक जाते हैं, किस गली में जाना है, किधर से आना है। मैंने कहा जी गूगल मैप जिंदाबाद, मतलब डायरेक्ट उनके घर के बाहर जाके हम रुके।
तो ऐसा ही होता है, वैसे हम तो अभी नए नए थे ना, हमें पता नहीं था ना। हाँ ये जरा सा हो जाता है, कोई बात नहीं। बॉस और क्या कहना चाहेंगे सुंबल? आप ही सब सुनने वाले को सलाम, आप ही अली भाई को स्पेशल सलाम। और मैं नाराज नहीं होती है, मैं आपसे शरारती करती हूँ। मुझे पता है, देखो मैंने ऑनियर कहा था ना कि सुंबल मुझसे खफा होती नहीं है, मुझे पता है। हाँ, नहीं नहीं, आप ऐसे क्या, आप शायद मेरी फेसबुक पे आपसे लाइव मुलाकात आखिरी हो, बता रही हूँ ना आपको। ओए अल्लाह, क्यों कहाँ जा रही हो? अभी गई भी नहीं, शायद नहीं हो पाएगी, मैं बता रही हूँ आपको सच्ची बात। अच्छा चलो ठीक है, मैं अब मैं खफा हूँ, मैं एक्चुअली उदास हो गई हूँ। Because goodbye is always very hard for me. पता है goodbye कहना मेरे लिए हमेशा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई नहीं, आप जहाँ रहें खुश रहें। पहली बार ये मैं इतना महंगा आपके लिए पैकेज लगाया, आप मैसेज ही नहीं पढ़ती। अब मतलब मैं, अच्छा मैं आपका क्या ख्याल है सुंबल, मैंने आपके 6 मैसेजेस पढ़े हैं, अब इससे ज्यादा कितने मैसेजेस पढ़ूं आप मुझे बताएं? कितने पढ़े आप भी, इतना बड़ा झूठ, एक मैसेज भी पढ़ा, वो भी पूरा नहीं पढ़ा आपने। अच्छा चलें बस, फिर मैं तो यही कह सकती हूँ ठीक हो गया, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती सुंबल। खुश रहे, चलो ठीक है, बस नहीं पैकेज लगाती। खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराती रहे, मेरा कोई कसूर नहीं, जो पैकेज आप यूज कर रही है वो लोग आपसे खफा होंगे। मैंने क्या करना है यार, अभी उनको मैंने कहा तो आपकी खातिर पैकेज लगाती हूँ और आप आगे से नखरा करती, मैसेज ही नहीं पढ़ती। इसीलिए तो आप मुझे नखरे वाली आरजी कहती है, ऐवे थोड़ी कहती है। आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सुंबल आप खुश रहिए, हंसी रहे, मुस्कुराती रहिए, किसको कोई पैगाम देना चाहेंगे? वैसे भी अभी मुझे सब लाडो बोलते हैं, तो आपकी भी तो अभी बहन मैं नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल है, नहीं मैं वैसे उनको बता रही थी, मुझसे अक्सर पूछा भी जाता है अभी आप कितने बहन भाई हैं। सो आई हैव ओनली यंगर सिस्टर हु इज अनीता अब्दुल, और वो इस वक्त जो है बेचारी मसरूफ होंगी, वो भी बड़ा खुश होती है, कहती है आप भी, मैं आपका प्रोग्राम नहीं देख पाती, सॉरी। मैं आपको बात बताऊँ ना, आपकी ना जो आजी रुबैका के अब्दुल के नाम का आईडी, उधर मैंने झगड़ा किया, मैंने कहा उनकी सिस्टर हूँ, आपने क्यों आईडी बनाई हुई है, मैंने इसलिए तो आपसे पूछा भी था। हाँ अच्छा किया, वो मेरा नहीं, प्लीज आप उसको रिपोर्ट करें, आरजे रुबैका अब्दुल, डीजे रुबैका अब्दुल, तो पता नहीं कौन। मैं तो मैसेज नहीं करना, उन्होंने मेरी आईडी आगे से बंद कर दी है। हाँ तो आप लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे ना, आप उस पेज को रिपोर्ट करें, 2-3 पेजेस हैं, आप रिपोर्ट करें। मैंने तो उनकी बहन हूँ, हाँ। हम 3 माशाल्लाह बहनें हैं, तो कहती अच्छा, मैंने कहा मेरा नाम सुंबल अब्दुल है, और ये कोई है मेरा लिस्टर है, मैं ये भी बता दूँ, और मुझे पता भी है कौन है, अब मुझे पता चल भी गया है। लेकिन चले कर, गलत बात है, चले कोई बात नहीं, खुश रहिए, हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए, मैंने आपको आगाह कर दिया, अगर मेरा कोई पेज होगा तो मैं आप लोग को खुद इन्वाइट करूँगा इस पेज को लाइक करने के लिए। आपको पता है ना, हाँ आप मेरी पर्सनल आईडी पे मेरे साथ हो, ठीक है जी। थैंक यू। पश्तो सॉन्ग भी प्ले करो ना, पश्तो ट्रैक, खास साहब हमें बताएंगे कौन सा पश्तो ट्रैक प्ले करना है, बिल्कुल एक जबरदस्त। दिखा दे, कुछ नहीं होता। खालिद को मैं भी बुला रही हूँ, खालिद आप हैंडसम लग रहे हैं, आज आप हमारे व्यूवर्स को दिखाएं, आप आए ना, क्यों नहीं आ रहे? देखिए रिक्वेस्ट, अभी हमारी आंखें आपको खूबसूरत देखने में लग रही हैं। हाँ बस देखिए ना, नजरें, वो कहते हैं ना आपकी नजरों का कमाल है, मेरा कोई कमाल ही नहीं सर। थैंक यू सुंबल, शदीद किस्म की लगती है नहीं, हाय माशाल्लाह कह दो लड़की, कह बता भी रही है मेरी नजर बड़ी शदीद वाली लगती है। अगली बार मैं से मुंह धो के आऊंगी। थैंक यू सो मच सुंबल, खुश रहो। अभी जो मैं चलो आप मजे से नाश्ता करो, मुझे याद करते हुए नाश्ता करना, मुझे सबसे अच्छा काम ही है नाश्ता करना। थैंक यू सो मच, शेख साहब मुझे डांटेंगे, कहेंगे मतलब प्रोग्राम करोगे। थैंक यू सो मच सुंबल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ देर थे सुंबल वाली फ्रॉम सवाद, हमारी बड़ी प्यारी ही लिस्नर है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हैं और इतना प्यार करती हैं कि गिला शिकवा भी हमसे कर लेती है। एनी हाउ अस्सलाम वालेकुम मिस्टर टू टू, कोई बात नहीं। शामीर थैंक यू सो वेरी मच, शामीर जो है ये वो मेरे अब जो है ना रेगुलर लिसनर्स आ चुके हैं मैदान में, वो कह रहे मतलब क्या हुआ रिबेका, आप देखने में बड़ी प्यारी है आवाज़। ओ जी कोई बात नहीं ना, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। अहमदुल्ला थैंक यू सो मच, प्लीज़ प्ले पश्तो ट्रैक। फैसल गोंदल कहते हैं हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेरी वेल फैसल, वेलकम टू द शो। ऑलराइट, अब आप 0518-8461913 पर कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जी मैं बिल्कुल, आई एम डूइंग वेरी वेल सर, कौन कहाँ से? मैं एहसन हमीद। सर अपना नाम बताइएगा दोबारा से। एहसन हमीद। एहसन हमीद सर कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हम ISP से। जी कैसे हैं आप सर, खैरियत से? ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, पहले मुझे ये बताइएगा। हम आपको देखते भी हैं, सुनते भी हैं लाइव। ऑलराइट दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो क्या कहना चाहेंगे, पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, फिर मैं कोई सवाल पूछूंगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको आपको बहुत बहुत मुबारक, आप FM वर्ल्ड पाकिस्तान से आपने ज्वाइन किया और आपसे मतलब यहाँ लाइव शो करती हैं। अक्सर आपको हम ना 1-on-1 पर लाइव देखना चाहते थे, लेकिन वहाँ ना आप ऑन एयर नहीं आती थी वजह।
वहाँ पर ऑन ईयर क्यों नहीं आती हूँ? कुछ देखें मैं आपको बताऊँ, ऐसा जो आपका चैनल होता है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है. यहाँ पर हमें कहा जाता है वी हैव टू लाइव ऑन फेसबुक, तो वी आर एग्री कि हम, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं क्योंकि मैं तो टीवी भी करती हूँ, तो मेरे लिए लाइव होना कोई इशू नहीं है. लेकिन वहाँ पर जब हमें कहा जाता है लाइव हो जाए, वहाँ भी लाइव हो जाते हैं. सो हर चैनल के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उसके अंडर जो है हमें चीज़ों को देखना पड़ता है. व्हाई नॉट अच्छा, बेसिकली ये कि अक्सर हम आपके जो आप पोस्ट अपलोड करते हैं पिक्चर की, हम वहाँ पे लिखते हैं कि बड़े लोग बड़ी मीटिंग में, याद आया इंस्टाग्राम पे या एफबी पेज पे बड़े लोग नहीं, मुझे नहीं याद आया इंस्टाग्राम पे. हाँ जस्ट लाइक भी आप करती हैं, तो आप मतलब बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लेती हैं. हाँ मैं कमेंट करती हूँ बिल्कुल. मैं ऐसा ना, अगर आपकी अगर IDC नाम से, तो मुझे याद रहेगा डेफिनेटली. क्योंकि मेरा ये है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई आपका लिसनर या व्यूअर आपको प्यार करता है, आपके लिए वक्त निकालता है, इज्जत देता है, सो ये बड़ा ज़रूरी है कि उसको रिस्पॉन्स दिया जाए, उसको बताया जाए कि आप उसको ऑन करते हैं, आप उसको थैंक यू करते हैं. सो दिस इज मेरी तरफ से एक बड़ा छोटा सा जेस्टर होता है, अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो थैंक यू सो मच. जी बिल्कुल ठीक. अच्छा मैं बेसिकली वही सर को एक छोटा सा मैसेज मैंने देना है. जी जरूर. अच्छा मैंने अक्सर मैंने 101 FM पे मैम सदर फ्रानी को ऐसा इंटरव्यू दिया RGS के लिए, तो उन्होंने हमें क्वालिफाइड नहीं किया. उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पे स्किल्स नहीं देखी जाती, एजुकेशन प्रेफर की जाती है. ठीक है, आपकी एजुकेशन क्या है सर? मैम बेसिकली FSC और आर्टिस्ट, तो मैं डिजाइनिंग की मेरी फील्ड है. अच्छा ऐसा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आपको RJ बनना है, RJship के लिए जो आपकी मैक्सिमम या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एटलीस्ट BA तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. सॉरी कॉल जो है वो डिसकनेक्ट हो गई है खालिद, ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया. जी आवाज़ आ रही है. जी सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा बोलिएगा. जी अस्सलाम वालेकुम. एक्चुअली लाइन में जो है थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा है मसला, लेकिन 0551-8461-9-1-3 पर आपकी कॉल जो है उनको प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा. मीनवाइल आपके कुछ ही देर में मैं आपकी कॉल जो है उनको लाइव करूंगी, लेकिन मीनवाइल आपके कुछ कमेंट्स हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं. खान रब नवाज HK कहते हैं पाकिस्तानी म्यूजिक सॉन्ग प्लीज़, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. आपने कहा कि बहुत अच्छे ट्रैक आप जो प्ले कर रही हैं, बहुत शुक्रिया. अली कहते हैं तो इतनी खूबसूरत है ट्रैक, बहुत अच्छा था. जिशान आरिफ अवान कहते हैं मैम दिस सॉन्ग डेडिकेटेड टू यू फ्रॉम मी, यू आर रियली क्यूट माशाल्लाह, थैंक यू सो मच. एक्चुअली मेरे सारे लिसनर्स जो है ना उस कमेंट के बाद स्टैंड बाय हो गए हैं, थैंक यू सो वेरी मच. और नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा. और आप लोग तो तब, मैं कह रही हूँ ना, मुझे गुस्सा इतनी जल्दी आता नहीं है. खालिद खान साहब मुझे गुस्सा आता है? खालिद खान साहब को गुस्सा आ जाता है, मुझे गुस्सा नहीं आता. बिलाल कहते हैं ये शो इज़ वेरी नाइस. सिद्रा खान कहती है अस्सलाम वालेकुम. महर तैमूर कहते हैं क्या बताएं इतना अच्छा. आपने एक शेर लिखकर भेजा, बहुत शुक्रिया. अरे मतलब महर तैमूर कमाल, मतलब शेर में ना वो छक्का चौका मारा आपने. ऑलराइट फिलिपीन से हमें मैसेज आया और ऊपर से नाम भी ऐसा ओखा सा है, मुश्किल सा है. ओखा मतलब मुश्किल सा. हे हाउ आर यू? मोहम्मद आमिर कहते हैं आई एम डूइंग वेरी वेल. सिंबल की आवाज़ बहुत अच्छी है. संजीदा अरशद कह रही हैं. मुजम्मिल वड़ाइश कहते हैं योर शो इज़ वेरी नाइस. एंड हफ्सा राजपूत आप भी प्रोग्राम देखते हैं. मिर्ज़ा मोहसिन थैंक यू सो मच. आपने अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन. आपके लिए भी बहुत सी दुआएं. नासिर बशीर कहते हैं योर शो इज़ वेरी नाइस. यासिर खान आई एम फ्रॉम फैसलाबाद. एक्चुअली मेरे पास आज बड़ा ज़बरदस्त एक क्वेश्चन था, लेकिन मैं उसको अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम में आज नहीं ला पाई. उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं चाहती थी कि आप लोग बातें करें, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे, ज़रूर मुझसे शेयर करें. महर तैमूर मतलब वो कहते हैं ना शेर पे शेर फेंक रहे हैं, ये शीन, ये रे वाला शेर नहीं, ये ऐन वाला शेर है, ठीक है. अरे नासिर बशीर कहते हैं नासिर बशीर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया. अली कहते हैं सुंबल सिस्टर की कॉल आई, उनको खुश आमदीद कहिएगा. और राइट मोहम्मद इकबाल कहते हैं यू शो इज़ वेरी नाइस. इमरान परदेसी कहते हैं नाइस, थैंक यू सो मच इमरान, वेलकम टू द शो. हाकिम नूरे कहते हैं योर प्रोग्राम इज़ वेरी नाइस, वेलकम टू द शो. जिशान मजहर कहते हैं आई एम फ्रॉम मलेशिया, यू आर लुकिंग सो नाइस एंड योर शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. एक्चुअली यहाँ पर दूसरी तरफ हम YouTube पे लाइव हैं या ऑलराइट
एक्चुअली मैं अपनी टीम से पूछ रही थी हम यूट्यूब पर लाइव हैं, तो मुझे बताया गया कि हम यूट्यूब पर लाइव है. वैसे ऐसा हो सकता है इसको हम इसके थोड़ा करीब करते थे ताकि मुझे अपनी आई सेट एट एवर, अभी नहीं फॉर द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मेरी आदत है, मुझे होता है मैं कैमरे को फेस करते हुए प्रोग्राम को जो है कंडक्ट करूँ. तो फिर वो हमारे व्यूअर्स जो यूट्यूब पर हमें जो है फॉलो कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, उनसे मिस हो जाएगा. वो कहेंगे कि रिबेका हमें तो देख के बात नहीं कर रही. ज़हीर ज़मान कहते हैं ग्रेट शो, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. अब ये मेरे फेसबुक के लिसनर्स देख लें, मैं जब थोड़ी देर वहाँ देख रही हूँ तो इट मीन्स दैट कि वो यूट्यूब पर इस वक्त जो है हम लाइव हैं एफएम जो है एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के पेज पे. बिलाल बिलाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू सो मच. आबिद अली राजपूत कहते हैं माई ब्रदर काशिफ एंड आई लव हिम, दैट्स ग्रेट. ये देखे ना, अक्सर कहा जाता है कि भाई भाइयों से झगड़ा करते हैं, ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे, बड़ा प्यार है, बड़ी दोस्ती है, अल्लाह ऐसा ही रखे. बिलाल कहते हैं आई कॉल यू, बिलाल जो है हमें कॉल कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी रखूंगी 0518461913 पर. शमीर कहते हैं आप सबके मैसेजेस पढ़ती हैं, और शमीर आपने देखा मैंने सुंबल के मैसेजेस 3-4 बार पढ़े. सहर अदनान, और मैं जब ज़्यादा किसी के मैसेजेस और कॉमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे ये भी कहा जाता है आप फलाह के दो कॉमेंट्स इतने पढ़ती हैं. मैं आपको बता देती हूँ ये आई डोंट नो अभी शायद नज़र आ रहा होगा, ये देखे सामने जो है आपको नज़र आ रहा होगा, मैं खुद नज़र आ रही हूँ. तो ये जितने कमेंट्स इस वक्त मेरी स्क्रीन पे मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं आपके तमाम कमेंट्स को जो है वो पढ़ती जा रही हूँ, और वो कमेंट्स ऊपर चले गए हैं वो मैं उस वक्त पढ़ सकती हूँ जब ये एंड हो जाएगी वीडियो. सो ये लोग जो शिकवा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना मुझे मेरी तस्वीर नज़र आ रही है, सो वो जो शिकवा कर रहे हैं कि मैं किसी का पढ़ती नहीं हूँ कॉमेंट, तो यकीन जाने वो गायब हो जाता है. मेरी इसमें कोई वो कमाल नहीं है या कोई नाराज़गी या कोई गिला शिकवा, ऐसा कुछ नहीं है. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, आबिद अली राजपूत कहते हैं ऑलराइट, मैं बिल्कुल आपकी कॉल्स का सिलसिला ऑन ईयर लूँगी. सबा नदीम कहती हैं हाउ आर यू, हमज़ा तन्हा कहते हैं हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेरी वेल. आप ज़रूर मुझे बताइए कि आप कहाँ से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने शहर इलाके मुल्क का नाम ज़रूर हमें बताइएगा. राजा अदील आज़ाद कहते हैं कैसी हैं आप, आई एम डूइंग वेरी वेल. ऑलराइट, वकास भट्टी इज़ वॉचिंग, मतलब वकास भट्टी न्यूज़ लिंक करने के बाद फारिग होते हैं ना, फिर वो देख रहे होते हैं. वकास भट्टी बहुत शुक्रिया, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. सबा नदीम कहती हैं कोई सॉन्ग, कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर दें. और राइट, काफ़ी देर होगी मैंने ट्रैक प्ले नहीं किया, पश्तो ट्रैक कौन सा प्ले करूँ खान साहब, मैंने अपनी मर्ज़ी का प्ले कर दिया, फिर आपको सुनना पड़ेगा. फिर ना कहिएगा कि डीजे रिबेका ने खबर ना दी. चले जी, मुझे तो एक ही पश्तो ट्रैक का पता है. ऑलराइट, अब आपको जो है राइट लें, फिर लें, मैंने तो प्ले कर दिया, हूँ सुन दे रो. अच्छा वो कह रहे हैं मैं क्या खाली ताज है ना, सिवा लोग देख लेंगे. अच्छा आपको यहाँ से क्रॉस होना पड़ेगा. अरे जी ब्यूटीफुल ट्रैक, टाइटल निश्ता बाय हदीका क्यानी एंड इरफान खान, स्टे ट्यून्ड एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान.